السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد हर तरह के हमदो सना अल्लाह ताला की दात के लिए दातदात और दो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर और आपके हाल पर। मोहतरम स्कॉलर्स और मिसाली ग्रुप में जो ज्वाइन हैं, आप तमाम स्कॉलर्स को हम दिल के अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। और जैसा कि आपको इल्म है कि अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब पब्लिसिटी कमीशन से लेक्चरर तारीख और पाक स्टडी की सीट्स जो हैं वो आ चुकी हैं, तो एक अहम मौका है और अहम मरहला है कि आप इस जगह पे अपने आप को प्रिपेयर करें और उस सिलसिले में तैयारी का जो सिस्टम है और तैयारी करवाने के लिए जो एक सेशन है, अल्हम्दुलिल्लाह पहले शुरू हुआ था हमारा मिसाली ग्रुप का और ये दूसरा सेशन अल्हम्दुलिल्लाह मिसाली ऑनलाइन अकेडमी से लिया जाता है। तो बुनियादी तौर पर आपको ये बता दें कि अल्हम्दुलिल्लाह मिसाली ग्रुप 2020 से ये काम कर रहा है और अल्लाह ताला के फजल व करम से अल्लाह ताला ने बहुत सारी कामयाबियां भी दी और पिछले साल हमारे कई स्कॉलर 150 के करीब स्कॉलर मुख्तलिफ टेस्टों में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो चुके हैं और ये अल्लाह ताला का फजल है। हमारी बुनियादी बात यही होती है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम आपको लाइव क्लासेस में आपको पढ़ाते हैं, पूरा सिलेबस आपको कवर करवाते हैं और पूरा सिलेबस पढ़ाने के बाद जो है हम आपको उसके नोट्स, उसके टेस्ट और दीगर जो भी हेल्पिंग बुक्स होती हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं। हम मैक्सिमम सिलेबस आपको खुद पढ़ाते हैं और यही सबसे बड़ी बात है। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने MA हिस्ट्री जो है, तारीख जो है, वो प्राइवेट किया होता है। अब प्राइवेट जब MA करते हैं तो वो थॉरली उन चीज़ों को नहीं पढ़ पाते, जिसकी वजह से वो कंसेप्चुअल स्टडी जो है वो नहीं हो पाती। तो हमारी यही कोशिश है कि हम आपको यहाँ पे जब आप पढ़ाते हैं तो हम आपको साथ साथ आगाह करते हैं कि ये टेस्ट में आ चुका है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंटरव्यू के लिए है। यहाँ पे आपकी ना सिर्फ तैयारी आपके टेस्ट की होगी बल्कि आपकी मुकम्मल तैयारी जो है वो इंटरव्यू की भी होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी ये खूबी है कि अल्लाह के फजल से इस ग्रुप से आपको मिसाली स्कॉलर्स और जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं, वही आपको पढ़ाते हैं और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जितने भी हैं वही अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पढ़ाते हैं। तो इस सिलसिले में हमारे मुख्तलिफ सेशंस हैं, अभी इस्लामियत के सेशन, अरबी के सेशन, तारीख का दूसरा सेशन हमारा चल रहा है, सोमवार को एजुकेशन का इंशाल्लाह ताला सेमिनार है, वो सेशन हो रहा है और मंगल को हमारा फिजिकल एजुकेशन का सेमिनार है और जुमेरात को इसके बाद इंशाल्लाह कोई और सेशन का भी हमारा साइकोलॉजी का आगाज हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हम प्रोफेशनल अंदाज में और बेहतरीन तरीके से हम इंशाल्लाह अपनी कोशिश करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें आपके लिए मुफीद बनाए और हम वो पढ़ाएं जो आपके लिए नफा बख्श हो। तो इसका जरा तारुफ आप सुन लें। सबसे पहले लेक्चरर तारीख जो है, आपको ये बता दें कि तारीख में लोग जो है MA इतने ज्यादा नहीं है, लोग उस कदर नहीं होते जिस कदर उर्दू, इस्लामियत, इंग्लिश के सब्जेक्ट्स में होते हैं। तारीख में लोग बनिस्बत इसके कम लोग होते हैं। So, एक गोल्डन चांस है कि आप ये सीट अवेल करें। अब पब्लिसिटी कमीशन से सिलेक्ट होना ये भी एक बड़ा मरहला है और इससे सिलेक्ट होना ये मेहनत की बदौलत होता है। अगर आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप जरूर सिलेक्ट होंगे। और याद रखें, कभी भी मायूस नहीं होना, कभी भी परेशान नहीं होना। इंसान गिर गिर के सीखता है और इंसान जब नाकाम होता है ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो परेशान हो जाते हैं कि हमसे तो नहीं होगा या पता नहीं कौन लोग होते हैं। आप वैसे होते हैं और आप लोग ही होते हैं। एक सीट भी हो ना तो इतने पर उम्मीद रहे कि ये एक सीट मेरी है और आप इंशाल्लाह ताला उसके लिए कोशिश करते हैं जब, तो फिर आप उसको जरूर जरूर आप हासिल कर लेते हैं। तो अक्सर याद रखिए कि लोग जो है वो नाकामियों से खौफजदा होते हैं। नाकामियों से कभी खौफजदा नहीं होता होना, आपने नाकामियां हमेशा आपको कामयाबी की एक सीढ़ी पे चढ़ा के जाती है और आप वहां से आगे बढ़ते हैं और फिर कामयाबी आपको मिलती है। लिहाजा अपनी मेहनत, अपने असाज़ा की दुआएं, अपने वालदैन की दुआएं, इन पे उम्मीद रखें और कसरत से अल्लाह ताला से मांगे और अल्लाह मांगने पे जरूर देता है। और उम्मीद करता हूँ कि आप इंशाल्लाह ताला अल्लाह से जरूर दुआ करेंगे। तो
एक बेहतरीन गजेटेड सीट है, 17 ग्रेड की ये सीट होती है, जिसमें अभी पंजाब पब्लिक कमीशन में अभी सीटें अनाउंस हुई हैं। याद रखिए अभी ये सीटें आई हैं, इसके बाद अगले 2-3 साल सीटें आने के चांसेस नहीं है। सो यही गोल्डन चांस है, जितने भी हिस्ट्री वाले हैं आप अपने टेस्ट को क्लियर करें। और याद रखिए वहां पे 4,000-5,000 का मुकाबला है, तो 4,000-5,000 में आप याद रखें कि 4,000 लोगों का उनकी कोई तैयारी नहीं है या 5,000 लोगों की कोई तैयारी नहीं है, मुकाबले के लिए सिर्फ 500 से 1,000 लोग होंगे। और उसमें भी आप ये याद रखें कि 50% जो है वो एवरेज होंगे और 50% में आपका ज्यादा मुकाबला होगा। तो इस लिहाज से ये मुकाबला आपने विन कैसे करना है, अब इसको विन करेंगे आप अपनी तैयारी से, आप अपनी मेहनत से, एक एक चीज को कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। बाद लोग ऐसे करते हैं कि डोगर की इल्मी वालों की कारवां की किताब ली और उसको पढ़ना शुरू कर दे, लो जी टेस्ट क्लियर नहीं हुआ। अब क्या एक चीज से टेस्ट क्लियर हो सकता है? ऐसा वो तो उन्होंने अपनी चीजें बढ़ा दी है, मगर आपको यहाँ पे थोरली लेके चलना है। हम ये कहते हैं कि आप चौथी जमात से लेकर आगे तारीख जोग्राफिया और जो हिस्ट्री है उसको लेके चले, फिर इन मैट्रिक में, फिर इंटर में, इंटर में बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री वहां पे बताएगी उसको लेके चले। सो पंजाब की ये सीटें हैं, पंजाब पब्लिक कमीशन में ये 17 ग्रेड की सीटें हैं, और पंजाब में आपके घर के करीब भी ज्यादातर ये पोस्टिंग होती है। मेल की 20 सीटें हैं और फीमेल की 63 सीटें हैं, और ये पहली दफा है कि इतनी ज्यादा तादाद में फीमेल की सीटें आई हुई है। तो ये याद रखना है कि अभी फीमेल जितनी भी हमारी हैं, टेस्ट आपका अभी कुछ जल्दी में नहीं है, अभी करीब नहीं है, टेस्ट आपका लेट होगा और ये ईद के बाद होने के चांसेस है। सो हमने ये सेशन, दूसरा सेशन इसलिए शुरू किया है कि टेस्ट आपका लेट है, लिहाजा हम उसको बेहतर तरीके से चला सके। तो दूसरी बात यह है, अब हमने इसकी तैयारी कैसे करनी? देखें बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं तैयारी कैसे करनी है, और लोग ये समझते हैं कि शायद कोई एक किताब हो या एक तवीज हो वो उनको दे दिया जाए और वो ही पढ़ लिया जाए, तो ऐसे नहीं होता। हमेशा आप अपनी बेस बनाएं और अपने पूरी मसरूफियात में से एक वक्त निकालें और वक्त निकाल के उसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते जाए और एक तरतीब से लगे। अभी कभी भी मरूजी बुक्स की तरफ ना जाए। अभी सिलेबस आपने वो अभी सर भी बताएंगे आपको, सिलेबस आपको मैंने बता दिया कि चौथी जमात से तारीख जोग्राफिया हिस्ट्री की जो किताबें हैं आप उसको लाजमी पढ़ें। अब इसमें ना दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक है इस्लामिक हिस्ट्री। इस्लामिक हिस्ट्री का पेपर आपको सबसे ज्यादा आता है, राउंड अबाउट 20 क्वेश्चन जो है वो इस्लामिक हिस्ट्री में से 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं और बाकी सारे पेपर में आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं। तो 80 नंबर का पेपर होगा, 80 नंबर हिस्ट्री के, और ये पेपर इंग्लिश में होता है, और आपके 20 नंबर के जनरल नॉलेज है, उसमें भी आपके पास स्टडी के और जनरल वैसे को क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसके बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एकेडमी में ऑनलाइन क्लासेस होगी, जितने सब्जेक्ट्स होंगे हिस्ट्री के, ये राउंड अबाउट हम आपका 3 माह का सेशन होता है। तो 3 माह में हम अपनी भरपूर कोशिश करते हैं कि एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है तारीख, जिसमें हम तारीख इस्लाम से शुरू करते हैं, फिर तारीख बनू उमैया, बनू अब्बास, खिलाफते राशिदा सल्तनत, इंदुलस सल्तनत उस्मानिया, फिर बरे सगीर, फिर बरे सगीर से आगे मुख्तलिफ जो सलातिन दिल्ली है, फिर सलातिन मंगोलिया है, वो सारे हम पढ़ते जाते हैं, और उसके बाद फिर यूरोपियन हिस्ट्री और जो दूसरी हिस्ट्री हम उसको पढ़ते हैं। ये एक लंबा सिलेबस है और आपने इसको पंजाब यूनिवर्सिटी की कोर्स आउटलाइन के मुताबिक ज्यादा मद्देनजर रखना और उसको पढ़ते जाना है। तो इंशाल्लाह हम इस्लामी एकेडमी में हम सबसे पहले आपके यही करते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में हम खुद आपको पढ़ाते हैं, जो हम आपको पढ़ाएंगे उसी के नोट्स हम ऐसे पेजेस की शक्ल में जो हमने नोट्स बनाए हुए हैं वो नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, और उसके साथ वो नोट्स बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद हम तारीख के जो जनरल नोट्स हैं वो हम आपको देंगे, और ऐसे ही जो पंजाब यूनिवर्सिटी के तारीख डिपार्टमेंट है वहां के जो इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे वो भी इंशाल्लाह ताला आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं हम। इसके साथ साथ आपका सबसे बड़ा यहाँ पे आपको मिसाली ग्रुप से आपको ये मिलेगा कि आपको जनरल नॉलेज की तैयारी है वो आपको इसी ग्रुप से होगी। आपके मैथ है, साइंस है, आपका कंप्यूटर है, आप उर्दू है, इस्लामियात है, और आपकी तारीख जोग्राफी, वो भी सारी यहाँ से इंशाल्लाह ताला आपको कवर करवाई जाएगी। इसके बाद है आपको जो हम टेस्ट शेड्यूल, जो आप 4 दिन में पढ़ेंगे वही आपको वीकली टेस्ट दे रहा होगा, और इस वीकली टेस्ट के बाद हमारे शेड्यूल टेस्ट होते हैं। तो ये सारा हमारा प्रोसेस है, और इस तरह की बेहतरीन तैयारी किसी भी जगह पर नहीं होती, इंतहाई कम फीस में ऐसी तैयारी नहीं होती। बस ये हमारी कोशिश है कि हम अपने इदारे के लिए और अपने लोगों के लिए और पब्लिक कमीशन में
आपको कामयाब करवाने के लिए एक बेहतरीन काबज करने के पेश करने की कोशिश करते हैं। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने पहले भी हमें इसमें सुरखुरू और कामयाब फरमाया है और आप भी इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला जरूर इसमें कामयाब फरमाएगा। तो ये एक तारीफी सेशन है। आज जो चीजें मैंने आपको हिस्ट्री के हवाले से बताई, तो मैं आपको जो हिस्ट्री का जो सिलेबस पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, मेरे पास हिस्ट्री ऑफ इस्लाम मुकम्मल है। हिस्ट्री ऑफ इस्लाम एक बड़ा सब्जेक्ट है और हिस्ट्री में हर सूरत इसके जो है 20 से 25 सबसे ज्यादा सवाल इसी में से आते हैं। और उसके बाद तारीख बनसीर है, ये दो सब्जेक्ट्स हैं, इसमें आपका सबसे ज्यादा पेपर आएगा। तो इंशाल्लाह हिस्ट्री ऑफ इस्लाम जो है वो मैं बाकायदा तौर पर आपको शुरू करवाऊंगा, जिसमें मेरी इब्तदा वो हो जाएगी इंशाल्लाह ताला जल्द ही, जैसे हमारी क्लासेस शुरू होंगी। तो सीरत के क्वेश्चन है, तारीख के क्वेश्चन है, खलाफते राश्ता के क्वेश्चन है, बनू मैया, बनू अब्बास, सल्तनत उंदरस और उस्मानिया, ये हिस्ट्री जो है वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको करवाऊंगा। और दूसरी हिस्ट्री हमारे सर जो है सर अमन नवाज खान साहब, जो हिस्ट्री के हैं और पब्लिसिटी कमीशन से है, पास किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो आपको इंशाल्लाह ताला तैयारी करवाएंगे। अभी मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि नेक्स्ट इस सेशन का तारफ जो है सेमिनार के हवाले से और सिलेबस और बुक्स के हवाले से आप वो आपसे बातचीत करेंगे, और इसके बाद जो मजीद डिस्कशन है वो आप मुझे कोई सवाल कोई बुक्स के हवाले से आप जरूर कर सकेंगे। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो। चीजों को गौर से सुनते जाइएगा, बार बार पूछने ना पड़े आपको, बल्कि एक ही बार आप सुन लें, इंशाल्लाह ताला आपको इन चीजों का बहुत फायदा होगा। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए सर, जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरा नाम अहमद नवाज खान है और मैं हिस्ट्री का आपका ट्यूटर हूँ, इंस्ट्रक्टर हूँ। इससे पहले कि मैं थोड़ा सा अपना तारफ करवा दूँ, मैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट एज में टीचर काम कर रहा हूँ। इससे पहले सर सफदर साहब जो हैं ये प्रोफेसर हैं इस्लामियात के और हिस्ट्री के, एम हिस्ट्री एम इस्लामियात, और ये PhD माशाल्लाह हैं, डॉक्टर अब बनने वाले हैं इस्लामियात के, गवर्नमेंट कॉलेज बसीरपुर से बिलोंग करते हैं। सर का पढ़ाने का एक बहुत अच्छा स्टाइल है हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री का। आप यकीन करेंगे जब आप पढ़ेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आप इससे पहले आपने ऐसी हिस्ट्री बिल्कुल नहीं पढ़ी होगी। अब आते हैं जी हम अपने सिलेबस की तरफ। जैसे कि सर ने आपको बता दिया है आपने सिलेबस किस तरह से तैयार करना है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक चीज याद रखें कि अगर 3000 कैंडिडेट हैं या 3500 हिस्ट्री के, तो उसमें से जो पेपर क्लियर करते हैं या जो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हैं उनकी रेशियो होती है ओनली 10%। एक चीज याद रखें, ओनली 10% कैंडिडेट हैं। फॉर एग्जांपल 18 सीट्स हैं हमारी ओपन मेरिट की, हिस्ट्री की ओपन मेरिट की 18 हैं, एक मिनोरिटी कोटा और एक डिसेबल। अब 18 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ तो कितना बनेगा, आई थिंक 90। अब 90 लोग उन्होंने चूज करते हैं इंटरव्यू के लिए। आपका सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि हमने इंटरव्यू के लिए हर सूरत सिलेक्ट होना है। पहली बात, मेक अ माइंड, अपना जेन बना लें कि मैं उन 90 लोगों में मैंने आना है, हर सूरत आना है। बस एक अब जज्बा लेके मेहनत करें, इंशाल्लाह ताला गाइडेंस हमारी है, मेहनत आपकी है। ये बात कन्फर्म है कि आपने अपने हिस्से की शम्मा जो है वो जरूर जलानी है। जब आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप, मुझे पक्की उम्मीद है कि आप सिलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद इंटरव्यू है, इंटरव्यू के मरले में भी अब हम आपको इंटरव्यू के जो अहम क्वेश्चन है या जो पूछे जाते हैं वो आपको गाइड जरूर करेंगे। इसके अलावा आपका इंटरव्यू भी लेंगे, अल्लाह ताला आपको सबको पास करे। अब पास किस तरह करना है, जैसे कि मैंने पहले बताया है, इसमें हिस्ट्री में कौन से सब्जेक्ट अहम है, इस्लामिक हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, मिडविल हिस्ट्री। मिडविल में हिस्ट्री में कौन कौन से जो सब्जेक्ट है टॉपिक है, एक तो दिल्ली सल्तनत और एक मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर और दिल्ली सल्तनत ये मिडविल हिस्ट्री में आता है।
इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री आ जाती है। अब मॉडर्न हिस्ट्री क्या है? मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो 1857 से लेकर ऑनवर्ड्स 2000 तक हमारा जो सिलेबस है स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान। अब मैं आपको अगर इसकी नंबरिंग बता दूं कि किस तरह से पेपर बनता है, आप में से मोस्टली जो लोग हैं उन्होंने 2020 या 21 में पेपर दिया होगा। कौन कौन से हैं मुझे बता सकते हैं जी, किन किन लोगों ने दिया है? जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही है सर। जी 2020 में किसी ने पेपर दिया हो, हनीफ खान थे, हनीफ खान कह रहे थे जी मैंने दिया था, मैं सिलेक्ट भी हो गया था यानी कि इंटरव्यू के लिए पास कर लिया था उन्होंने। जी सर मैंने भी दिया था। जी अभी मैं आपको एक थोड़ा सा डिफरेंस बताने लगा हूँ पेपर पैटर्न का या पेपर किस तरह का आता है। जिन लोगों ने 2020 में पेपर दिया था मेल हिस्ट्री का, 2020 में जो पेपर हुआ था वो मेल और फीमेल का इकट्ठा हुआ था, उसमें फीमेल का मेरिट बहुत लो चला गया था, अगालबन 42 या 43 के अराउंड अबाउट उनका मेरिट था। और जो मेल था उन्होंने क्या किया था कि यूरोपियन हिस्ट्री भी डाल दी थी, ब्रिटिश अमेरिकन हिस्ट्री के कई क्वेश्चन थे और जिसकी वजह से जो काफी सारे लोग थे वो फेल हो गए। अब जो 2000 पेपर लीक हुआ तो उन्होंने कहा जी दोबारा हिस्ट्री का पेपर लिया जाएगा। आप लोगों को याद होगा जिन्होंने दिया है कि वो पेपर दोबारा हुआ था। अब जब दोबारा हुआ तो दोबारा जो पेपर लिया गया था उसमें ब्रिटिश एंड अमेरिकन हिस्ट्री के सवाल नहीं थे, बहुत ही कम थे, एक वो एक आ था, इस्लामिक हिस्ट्री के उसने ज्यादा क्वेश्चन डाल दिए। अब ये पेपर सेटर जो पेपर बना रहा होता है उसके माइंड पे डिपेंड करता है कि वो कैसा पेपर बनाए, किस तरह का बनाए। एक चीज याद रखिए कि पेपर बनाने वाले को एक चीज समझा दी जाती है कि पेपर आपने इस तरह का बनाना है कि कम से कम आपके 25% जो लोग पास हों, 25% 75% उड़ जाए उसमें से, क्लियर ही ना कर सके, टफ पेपर बनाए। इतना आसान नहीं बनाना कि सारे पास हो जाए, फिर उनको प्रॉब्लम आती है इंटरव्यू के लिए कॉल करने में या मेरिट ऊपर चला जाता है। अब जो एक मोतदिल या मॉडरेट पेपर जो है उसमें क्या है कि उसमें वो तमाम चीजें शामिल करता है, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशंट हिस्ट्री, हिस्टोग्राफी, हिस्ट्री ऑफ पंजाब, इसके अलावा वो सल्तनत उस्मानिया, सल्तनत उंदलस, इस तरह की चीजें भी बीच में शामिल कर देता है। हमने फोकस किसको करना है? हमने फोकस उसको करना है जो पेपर में ज्यादा आता है। एक चीज याद रखिए वो पेपर कभी भी आसान नहीं बनाता, आम चीजें क्यों नहीं पूछता। हमारा जो कह लें कि 70-80% लोग होते हैं वो इस तरह तैयारी करते हैं कि वो कहते हैं यार एमएम चीजें याद कर लो, ये याद कर लो, वो याद करते हैं लेकिन थॉरली स्टडी नहीं करते, ओनली एमसीक्यूज पे डिपेंड करते हैं। डोगर की गाइड ले लीजिए, कारवान की ले ली, उससे पढ़ लिया। जब तक आप थॉरली स्टडी ना करेंगे आप कभी भी पेपर को अच्छे तरीके से पास नहीं कर सकते। एक चीज अहम पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, पेपर को पास करना कोई भी मुश्किल नहीं है। सीट के लिए सिलेक्शन बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल जी मेरिट चला जाता है 65 पे, 65 जी लास्ट मेरिट है, ऊपर कितने हैं जी, ऊपर 40 लोग हैं, सपोज कि 40% है आपसे ऊपर, आप ही इंटरव्यू में चले गए हैं। अब एक बंदा लेता है जी 78 नंबर, उससे वो लेता है जी 80 नंबर, अब आप भी सिलेक्ट हो गए हैं 65 वाले, 78 वाला भी सिलेक्ट हो गया इंटरव्यू के लिए, लेकिन उसको एज ये मिलेगा कि उसके नंबर ज्यादा है आपसे इंटरव्यू में। जब वो काउंट हो गए तो आपका मेरिट नीचे जाएगा और फाइनल सिलेक्शन होगी, इसमें आपका नाम नहीं आएगा। इसके अलावा आपकी डिग्रीज बहुत काउंट करती हैं कि आपकी फर्स्ट डिवीजन कितनी है और सेकंड डिवीजन कितनी है। जिस बंदे, मैं उस बंदे को कह रहा हूँ जिस बंदे की सेकंड डिवीजन है 2 या 3, उसको चाहिए कि भरपूर मेहनत करे, वो कम से कम 70+ मार्क्स ले पेपर के अंदर से। पेपर के अंदर से जब वो 70+ लेता है तो उसका जो गैप है वो कम हो जाता है।
क्यों कि जब आप अच्छे नंबर लेते हो तो वो जो आपकी डिग्रीज का एकेडमिक क्वालिफिकेशन के मार्क्स कम होंगे वो गैप थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए सिर्फ पास नहीं होना सिलेक्ट के लिए, सिलेक्शन के लिए माइंड में रखें कि मैंने सिलेक्ट भी होना है। और इंशाल्लाह मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत, कम से कम आप 3 से 4 घंटे जरूर पढ़ें अगर आप पास करना चाहते हैं तो। इसके लिए डिवीजन करें कि मैंने कौन कौन से सब्जेक्ट के डिवाइड करें कि आधा घंटा मैंने कौन सा सब्जेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल इस्लामिक हिस्ट्री पढ़नी है तो आधा घंटा उसको दें। अगर आपने बनू मैया बनू हाशिम पढ़ना है तो बनू बास पढ़ना है तो उसके लिए आधा घंटा निकालें। अगर आपने स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान 1857 से लेके 1947 तक पढ़ना है तो उसके लिए आधा घंटा निकाल लें स्टेप बाय। क्योंकि पेपर में आपकी जब तक थॉरली स्टडी आपको गिरफ्त नहीं होगी मजमून के ऊपर तब तक आपके चांसेस बहुत कम हैं। वो पेपर बड़ा घुमा फिरा के देता है, अंदर से चीजें देता है, एम एम सवाल नहीं देता। हाँ देता भी है, एक चीज याद रखी, फीमेल का जो पेपर आया पिछली दफा बहुत ईजी आया था, उसने बास क्वेश्चन तो ऐसे दिए थे जो मेरा ख्याल है कि 8 या 10th क्लास का बच्चा भी कर ले सकता है कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस कब हुई जी। सबको पता है 1857 में वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, आसान क्वेश्चन था। फिर एक और आध क्वेश्चन आसान सा आ गया, वो बच्चों ने कर लिया। प्रेसिडेंट कौन है पाकिस्तान का, फर्स्ट प्रेसिडेंट, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो वो आ गया, आसान था। लेकिन इसकी रेशियो बहुत कम होती है, ओनली 2 or 3 क्वेश्चन इन होल पेपर, सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चन होंगे जो इस तरह के होंगे। हमने करना क्या आप क्या, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 80% जो है 80 मार्क्स जो है वो सिलेबस के हैं, हिस्ट्री के रेलेवेंट हैं, जितने भी हिस्ट्री के सब्जेक्ट हैं वो उसमें आएंगे। इसके अलावा जो 20% है 20 नंबर का जनरल नॉलेज इंग्लिश उर्दू, उसके बाद पाक स्टडी मुतालिया पाकिस्तान यानी कि वो कंबाइन आ गया। इसके अलावा एवरीडे साइंस और करंट अफेयर, इनको जरूर याद करें, थोड़ा सा टाइम इनको भी दें आधा घंटा। अहम अहम क्वेश्चन जो हैं वो जरूर देखें। अब मैं लास्ट पे आपके जब पेपर में 2 या 3 दिन रह जाएंगे सिलेबस के एंड पे, तो मैं इंशाल्लाह आपको एक ऐसा क्या लेके गैस पेपर दूंगा कि जिसमें से कम आपके 60 to 65 नंबर इंशाल्लाह उसमें से लग जाएंगे। चांस है कि बहुत ज्यादा कि इतने नंबर आप आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे। लेकिन इसके लिए फिर वही बात है कि टाइम 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 आपने वक्त देना है। अगर आप सीरियस हैं, पढ़ना चाहते हैं, सेलेक्ट होना चाहते हैं, एक चीज याद रखें कि ये बड़ी ईजी नौकरी है, इससे बेहतर जॉब नहीं मिल सकती। लेक्चरर हम टीचर हैं स्कूल में, हमें पता है कि हमें हमारे पास कितने पीरियड्स थे। जब मैं एज अ प्रिंसिपल रेंजर्स पब्लिक स्कूल आरपीएस जो है हमारे इधर रेंजर्स जो चलाती है उस पर लेफ्टिनेंट कर्नल होता था, तो मुझे पता है कि मैं किस तरह काम लेता था अपने टीचर से। लेकिन जो लेक्चरर्स होते हैं वो ओनली 2 or 3 पीरियड्स इन अ होल डे, पूरे दिन में 2 या 3 पीरियड्स, 17 स्केल, मरात भी, स्केल भी, इज्जत भी। इसलिए एक माइंड बना लें कि मैंने इसको इंशाल्लाह हर सूरत क्लियर करना है। अब मैं आपको तैयारी भी इंशाल्लाह ऐसे करवाऊंगा, मेरे अगर आपने लेक्चर देखे हैं, मैं कोशिश करता हूं कि जो अहम है सवाल, जो आम सवाल नहीं है, जो आम लोगों ने नहीं पढ़े होते वो करवाता हूँ। हमेशा आसानी की तरफ नहीं जाना आपने, मुश्किल की तरफ जाना है। और एक चीज याद रखें, तैयारी कहाँ से स्टार्ट करनी है, तैयारी हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ। पांचवी क्लास की जो बुक ले लेना, पांचवी क्लास की, उसमें सोशल स्टडी की, उसमें भी बाज ऐसी चीजें हैं जो बड़ों को नहीं पता होता। बेशक आपने एमए किया है लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूंगा तो आपको नहीं आएंगी, क्योंकि हमने उसको देखा ही नहीं होता, हमारा लेवल नहीं है। लेकिन लेवल बनाओ, नीचे से ऊपर जाओ। 6 की ले लें हिस्ट्री, 6 क्लास की गवर्नमेंट स्कूलों की, 7 की पढ़ लें, 8 की पढ़ लें, बहुत ज्यादा मवाद है, बहुत अच्छी हिस्ट्री लिखी हुई है। इसके बाद 9th 10th शेख मोहम्मद रफीक की जो बुक्स हैं आपने इंटर की, तारीख़े पाकिस्तान पे उसको जरूर स्टडी करना है, बहुत ही अहम है।
इसके अलावा जो मैं आपको बुक्स बताने जा रहा हूं, अगर आप इन बुक्स को पढ़ लेंगे तो मैं 100% श्योर कहता हूं कि आप इंशाल्लाह पेपर में आराम से क्लियर कर लोगे। अब जो बुक्स हैं वो कौन कौन सी हैं, मैं लिख के बता दूं कि दिखा दूं किस तरह आप कहते हैं। सर प्लीज दिखा दें सर। जी ठीक हो गया, हमारे पास टाइम शॉर्ट है तो मैं लिख के दिखा देता हूं। जी ये जो बुक्स है ये आप देख रहे हैं, ट्रैक टू पाकिस्तान, ट्रैक टू पाकिस्तान, ख्वाजा सईद अहमद ने ये बुक लिखी है, बहुत ही अच्छी बुक लिखी है पाकिस्तान की हिस्ट्री पे। ये बुक अगर आप पढ़ें 1857 से लेकर ऑनवर्ड 1947 तक बहुत अच्छी बुक लिखी हुई है। उसके बाद ही ये बुक आपने जरूर पढ़नी है, पाकिस्तान ना गुजर था जी, नजर आ रही है जी, सैयद हसन रियाज की बुक। ये क्वेश्चन में पेपर आ जाता है कि जी पाकिस्तान ना गुजर था किसने बुक लिखी, तो देख ले किसने लिखी थी, सैयद हसन रियाज। ये देखें जी ये बुक तरीके हिंद, ई मार सडन जो है इंग्लिश ऑथर है, इसने ये बुक लिखी हुई है। ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी वाकयात हुए हैं 1600 से लेकर 1925 तक 26 तक इसमें पूरी डिटेल है और बहुत अच्छी बुक लिखी हुई है। अगर आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की जो हिस्ट्री पढ़नी है तो इससे आप पढ़ सकते हैं। जी अगर आपने सलातीन दिल्ली पे पढ़ना है तो फिर ये बुक पढ़े, मुगल एरा पे पढ़ना है तो ये बुक पढ़े, मुस्लिम रूल इन इंडिया, ऐश्वरी प्रसाद ने ये लिखी है, ये बुक आपको बहुत सारा मवाद देगी। उसके बाद है जी ये बुक्स है, ये बुक्स का मेरा कवर जो फट चुका है, द इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान, ये किसने लिखी थी, ये लिखी है चौधरी मोहम्मद अली। आप चौधरी मोहम्मद अली के बारे में जानते हैं, कोई बता सकता है कि कौन था जी? सर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे। इससे पहले क्या थे? अमेरिका में सफीर थे सर। जी अमेरिका में सफीर थे सर, यूएन में पाकिस्तानी एम्बेसी थे। नो इट्स रॉन्ग, ये पाकिस्तान के पहले सेक्रेटरी जनरल थे, पहले सेक्रेटरी जनरल, और जो अमेरिका में सफीर थे मोहम्मद अली बोगरा, मोहम्मद अली बोगरा वाज द फर्स्ट एम्बेसडर इन अमेरिका, ये याद रखिए। उसके बाद जी ये बुक, अगर आपने तरीके उंदलस पे अच्छी कमांड हासिल करनी है, इसमें से दो क्वेश्चन पिछली दफा आए हुए थे 2021 वाले पेपर में, तरीके उंदलस इसमें से भी, जिसमें से शायद याद होगा जिसने 2020 में पेपर दिया होगा कि हाकम जो था उसकी लाइब्रेरी में कितनी बुक्स थी, ये सवाल इस बुक से मिल सकता है, क्योंकि ये तरीके उंदलस जो है बनु उमैया का जो लास्ट हुक्मरान था अब्दुर्रहमान अल्दाफ़ जिसे कहते हैं, ये उससे शुरू हुई थी, और अल हाकम जो था उसका तीसरा गालबा खलीफा था, उसकी लाइब्रेरी में तकरीबन 7 लाख तक, 1 लाख से 7 लाख तक बुक्स उसकी लाइब्रेरी में होती थी, ये क्वेश्चन आ चुका थी। अब जो मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि आपने सबसे ज्यादा अहम कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, किसको टाइम ज्यादा देना है? चंद मिनट जी, चंद मिनट रह गए हमारी जो ये इसमें खत्म होने में फर्स्ट मीटिंग में, तो इसके बाद आप सवाल जो आप भी कर सकते हैं बाद में हम चला लेंगे। तो ये देखें एंशिएंट इंडिया जो है, एंशिएंट इंडिया, इसमें से एक या दो क्वेश्चन बड़ा अगर कोई जो उसका कह ले कि माइंड इंटरेस्ट होगा उसका एंशिएंट इंडिया में, वो 3 या 4 क्वेश्चन दे देगा क्वेश्चन, उसके बाद कहां से आएंगे
मिडिवल हिस्ट्री जो सल्तनत दिल्ली है उसमें से कम आपको 7 से 8 क्वेश्चन आ सकते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन। मुगल एम्पायर में भी आपको 5 से 6 क्वेश्चन आ सकते हैं मुगल एरा में। पिछली दफा आपको याद होगा कि उसने शाहजहां के बारे में पूछा था कि मोती मस्जिद किसने बनाई थी, फिर उसने आलमगीर के बारे में भी एक क्वेश्चन पूछा था, अकबर का जो दिन है अकबर का टॉपिक अहम है उसमें से क्वेश्चन जरूर आता है, हुमायूं बाबर शेरशाह सूरी ये जो है इसमें से एक एक क्वेश्चन भी लगाएं तो कम से कम 5 और 6 क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद लेटर मुगल आ गया, लेटर मुगल में पिछली दफा जो क्वेश्चन उसने दिया था मोहम्मद शारगीले वाला दिया था कि वो उसने कब ज्वाइन किया था थ्रोन, यानी कि वो कब बादशाह बना था, तो 1719 में, ये क्वेश्चन मुझे याद है ये भी आया था। इसके बाद पेपर कहाँ से आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को आपने अच्छी तरह पढ़ना है, ईस्ट इंडिया कंपनी पिछली दफा उसने उसके वर्णिकर जो लॉ था वो पूछ लिया था, जो कानून था वो पूछ लिया था। इसके अलावा भी उसने जो क्वेश्चन पूछे हुए थे वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो थे इसके बारे में भी क्वेश्चन थे, कहाँ से शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, और एक चीज याद है कि इनफील्ड राइफल से शुरू हुई थी ये बात, इनफील्ड राइफल थी गन जिसमें कारतूस डाले जाते थे, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया था कि उस गन का नाम क्या है, ये भी याद रखें इनफील्ड राइफल उसका नाम था। उसके बाद जो ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं 1857 से लेके 1947 तक स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान, इसमें क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे, याद रखें कम से कम 15 से 17 क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, 15 से 17 क्वेश्चन। इसके बाद जो पाकिस्तान है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान 1947 से लेकर 2000 तक, इसमें से कम 10 से 12 क्वेश्चन जरूर बनेंगे, इसलिए ये अहम टॉपिक है, इसको जरूर करना है। और जो कम अहमियत के अमल होंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा, इसके अलावा हमारे जितने भी पेपर हो चुके होंगे उसमें से भी क्वेश्चन करवाऊंगा। अब मैंने अपना एक और चेंज किया सेटअप, जब लेक्चर होगा तो आफ्टर द लेक्चर मैं आपसे 5 क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम, जी वेलकम बैक, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, सुन रहे हैं जी, क्लियर है जी? हमने जो अपने सेशन में जी जी क्या कहे जी, आवाज नहीं आई चले जी, ये आई थिंक नेट प्रॉब्लम है थोड़ा सा। स्टार्ट करते हैं जी, जो हमने अपने फुल सेशन में कोर्स को कवर करना है उसकी आउटलाइन मैंने बना दी है, कौन कौन से टॉपिक कौन कौन से सब्जेक्ट हमने पढ़ने हैं ये देखें। सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री ये हमने करना है, उसके बाद इस्लामिक हिस्ट्री, उसके बाद बनू उमैया तारीख बनू उमैया, उसके बाद 4 नंबर पे तारीख बनू अब्बास, उसके बाद दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत जो है 1206 से लेकर 1526 तक, मुगल एम्पायर कहां से स्टार्ट होती है 1526 से लेके 1857 तक, इसमें ग्रेट मुगल भी आ गए और लेटर मुगल भी आ गए, यानी कि सारे जितने भी मुगल्स हैं वो हमने पढ़ने हैं। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 से लेके 1857 तक, ये हमने पढ़नी है। उसके बाद ब्रिटिश एंड अमेरिकन हिस्ट्री के भी हमने क्वेश्चन पढ़ने हैं, ये कौन से पढ़ने हैं, सिर्फ बेसिक नॉलेज के लिए, क्योंकि जो पेपर में आते हैं वो बेसिक नॉलेज के क्वेश्चन ही होते हैं, ज्यादा लंबी चौड़ी वो बातें नहीं पूछता, जो अहम अहम है वो जरूर इसमें आते हैं। उसके बाद हिस्टोरियोग्राफी, हिस्टोरियोग्राफी में
जी हिस्टोरियोग्राफी हमने पढ़नी है, और 10वें नंबर पे सल्तनते उस्मानिया, सल्तनते उस्मानिया हमने पढ़ना है। ये हमारे 10 ये हो गए। इसके अलावा हमने जीके भी पढ़ना है, जनरल नॉलेज। ये है हमारा फुल सिलेबस, और फुल सेशन में हमने 3 माह के अंदर हमने जो स्टडी करना है। हमारी क्लास हुआ करेगी सोमवार से लेके जुमेरात तक, मंडे टू थर्सडे, 4 दिन क्लास होगी, और एक दिन टेस्ट हुआ करेगा हफ्ते वाले दिन, सैटरडे वाले दिन। ये बात ध्यान में रखी, जो पढ़ा है एक हफ्ते में उसके लास्ट पे उसी सिलेबस में उसी टॉपिक्स में से आपको क्वेश्चन एक बना के दिया गया जाएगा, वो आपने सॉल्व करके दोबारा हमें सेंड करना होगा। ये है पूरा हिस्ट्री का सिलेबस, उम्मीद है आपको पता चल गया होगा। इंशाल्लाह मंडे वाले दिन से, सोमवार से हम बकायदा अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे, और हमने अब अपना जो पहला टॉपिक है सोमवार से जो हमने शुरू करना है वो है तारीखे पाकिस्तान। तारीखे पाकिस्तान 1947 से लेकर 2000 तक जो हमने इसको कवर करना है। क्यों इसको पहले मैंने रखा है, वो इसलिए कि जो हमारा फर्स्ट सेशन है जिसमें फीमेल ज्यादा हैं उसको और आपको इकट्ठा कर दिया है एक ही ग्रुप में, उनका टॉपिक रह गया है। सबसे पहले मैंने आपको ये करवाना है, और इसके अलावा इसलिए भी ये करवा रहा हूँ कि जो पाक स्टडी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, क्योंकि पाक स्टडी पहले आ चुका था 1 माह, हिस्ट्री बाद में आया है मेल का, इसीलिए पाक स्टडी वालों को भी तारीखे पाकिस्तान जो है अब वो हम 1947 से 2000 तक करवाएंगे पहले अपने सेशन में, यानी कि अभी स्टार्ट से ही मंडे से इंशाल्लाह हमारा जो पहला टॉपिक है 1947 पाकिस्तान जब बना तो आफ्टर क्रिएशन क्या क्या मसले हुए, क्या क्या अहम वाकयात हुए, वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। मंडे वाले दिन आपने क्लास का टाइम 7 बजे होगा जी, क्यों सर? डिसाइड करेंगे। चले ये हम आपको डिसाइड करके मैसेज कल हम आपको ग्रुप में सेंड कर देंगे, तो टाइमिंग इंशाल्लाह हम आपको बता देंगे। ये हमारा जी 1.5 घंटे का एक लेक्चर होगा, तो मंडे से इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। आप जी एनी क्वेश्चन जी किसी का?